हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज दो लेटेस्ट अपडेट आए हुए हैं, वो भी बैंक की तरफ से, जिसमें एक अपडेट आया है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से एंड सेकेंड जो अपडेट आया है PNB बैंक की तरफ से आ चुका है और दोनों के लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। सो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल साइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर भी आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव बैंक का जो अपडेट है, उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है, सारा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो PNB मीन्स पंजाब नेशनल बैंक का जो अपडेट है, उसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के, जिसमें जो सबसे पहला अपडेट आया है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आ चुका है। ये ऐसा अपडेट है, इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल हैं और दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े शॉर्ट में बता देती हूँ अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको सेम रिक्रूटमेंट का मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक। रिक्वायर्ड लिंक में पहला लिंक आप नोटिफिकेशन PDF का देख पाएंगे, क्लिक करके नोटिफिकेशन को अच्छे से आपको रीड करना है। एंड सेकेंड ऑप्शन आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, देन आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है जो भी आप देख पाएंगे, जैसे अपना नेम, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट किया, आपका एड्रेस क्या है, ईमेल ID क्या है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको सबमिट कर देना है। इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसीज आई हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो 356 वैकेंसीज आउट की गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। इसमें हर एक कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है 885 वैकेंसीज है और परमानेंट आपकी ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, जिसमें इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग आपकी रहने वाली है 22,000 पर मंथ। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें, आपकी एज मैक्सिमम 38 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 18 से अबव जितनी भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी आपको दिया जा रहा है, जैसे OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, PWD को 10 साल का। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। और इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही आपको फ़ी पे करनी है, किसी अदर मोड से आपको अप्लाई नहीं करना है। इन्होंने मेंशन किया है कि किसी अदर मोड से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, मीन्स वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है उसी स्टेप को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट इसके लिए अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है, जिसमें आपके जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं एंड अदर्स क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे, उसके बेसिस पे आपकी इन वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये वैकेंसीज कौन सी पोजीशन के लिए आउट की गई है कोऑपरेटिव बैंक की, तो ये क्लरिकल कैडर के लिए वैकेंसीज है, मीन्स क्लर्क के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता ही दिया, 356 वैकेंसीज आउट की गई हैं। अब बात आती है कि इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या MSc IT की हुई है, तब भी आप
एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारे कैंडिडेट की कब से कमेंट्स आ रहे थे कोऑपरेटिव बैंक की क्लर्क की वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली वैकेंसीज आउट की जा चुकी है, इवन अप्लाई करना भी स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है उसी स्टेप को आपको फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, अगर आप बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तानिया TANYA। तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तानिया TANYA। सेम इसी तरह से अगर आप CET के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेकर आपको एनरोल ज़रूर से कर लेना। अब हम बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो कि PNB मीन्स पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले आपको बताती हूँ अप्लाई किस तरीके से करना है। तो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इस तरीके से आपको अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है जिसमें आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करनी है जो कि आपकी 3 मंथ से पुरानी ना हो। उसके बाद आपको अपना नेम मेंशन करना है, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, कब आपने पास आउट की है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मीन्स आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, आपकी एज कितनी है, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर करके इनके गिवन एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जो PNB का अपडेट आया है उसके लिए। तो इसमें आपकी, अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, मीन्स जनरल, OBC, SC, ST, किसी की भी कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी आपको पे नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका एग्ज़ाम भी कोई भी नहीं होने वाला है। अब बात आती है सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है, तो इसमें आपकी नॉर्मल सी एक इंटरव्यू रहेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी इन वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन होने वाली है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का एंड अदर्स को एज पर नॉर्म्स इसमें रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, तो इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 14,500 से 28,145 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि आपकी इनहैंड होने वाली है। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाते हैं तब आपकी अलग सैलरी होगी जो भी एज पर नॉर्म्स रहेगी। अभी इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जाकर आपको अप्लाई कर लेना। बाकी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड भी कर रखा है, जैसे 2 अलग अलग लोकेशन के लिए है, जिसमें SC के लिए वैकेंसीज 9 आउट की गई हैं, OBC के लिए 11 है, जनरल के लिए 11 वैकेंसीज आउट की गई हैं, AWS के लिए 3 वैकेंसीज आउट की गई है। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने 5th, 8th, 10th या 12th पास की है, वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो स्वीपर और PN के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। एज लिमिट मैक्सिमम आपकी 24 है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18 तक अप्लाई कर सकते हैं, प्लस रिलैक्सेशन तो आपको दिया ही जा रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। जो स्टेप मैंने आपको बताया है उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। और जो पहला मैंने आपको कोऑपरेटिव बैंक का बताया है, उसमें भी हर कोई एलिजिबल अप्लाई कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको उसी रिक्रूटमेंट का मिलेगा एंड सेकेंड आप देख पाएंगे PNB रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन PDF का, आपको अच्छे से रीड करके फिर ही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं, आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है, चैनल पर वीडियोस अपलोडेड है, आपको पता है कोई प्रॉब्लम चल रही है नोटिफिकेशन की, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं हमें नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप चैनल पर वीडियोज़ ज़रूर से चेक कर लेना, जिसके लिए आप एलिजिबल है, अप्लाई आपको ज़रूर करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।